सोमवार व्रत कथा। एक नगर में एक बहुत धनवान साहूकार रहता था। उसके घर में धन की कोई कमी नहीं थी, परंतु वह दुखी था क्योंकि उसके कोई पुत्र नहीं था। वह इस चिंता में रात दिन दुखी रहता था। पुत्र की कामना के लिए वह प्रत्येक सोमवार को शिवजी का व्रत और पूजन करता था तथा सायंकाल मंदिर जाकर शिवजी के सामने दीपक जलाया करता था। उसके इस भक्ति भाव को देखकर एक समय माता पार्वती ने शिवजी से कहा, महाराज, यह साहूकार आपका अनन्य भक्त है, सदैव आपका व्रत और पूजन बड़ी श्रद्धा के साथ करता है, आपको इसकी मनोकामना अवश्य पूर्ण करनी चाहिए। शिवजी ने कहा, हे पार्वती, यह संसार कर्म भूमि है, किसान खेत में जैसा बीज बोता है वैसा ही फल काटता है। इसी तरह मनुष्य इस संसार में जैसा कर्म करते हैं वैसा ही फल भोगते हैं। माता पार्वती ने अत्यंत आग्रह करके कहा, महाराज, जब यह आपका अनन्य भक्त है और अगर इसको किसी प्रकार का कोई दुख है तो उसे आपको अवश्य दूर करना चाहिए। आप तो सदैव अपने भक्तों पर दयालु होते हैं और उनके दुखों को दूर करते हैं। यदि आप ऐसा नहीं करेंगे तो मनुष्य आपका पूजन और व्रत क्यों करेंगे। माता पार्वती का ऐसा आग्रह देखकर शिवजी कहने लगे, हे पार्वती, इसके कोई पुत्र नहीं है, इसी चिंता में यह अति दुखी रहता है। इसके भाग्य में पुत्र न होने पर भी मैं इसको पुत्र प्राप्ति का वर देता हूँ, परंतु वह पुत्र केवल 12 वर्ष तक जीवित रहेगा, उसके पश्चात वह मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। इससे अधिक मैं इसके लिए कुछ नहीं कर सकता। माता पार्वती और भगवान शिव का यह वार्तालाप वह साहूकार सुन रहा था। इससे उसको न तो प्रसन्नता हुई और न ही कोई दुख हुआ। वह पूर्व की तरह शिवजी का व्रत और पूजन करता रहा। कुछ समय पश्चात साहूकार की स्त्री गर्भवती हुई और 10 महीने में उसके गर्भ से एक सुंदर पुत्र पैदा हुआ। साहूकार के घर में बहुत सी खुशियां मनाई गई, परंतु साहूकार यह जानता था कि उसकी आयु केवल 12 वर्ष है, इसलिए उसने अधिक प्रसन्नता प्रकट नहीं की और न ही यह भेद किसी को बताया। जब वह बालक 11 वर्ष का हो गया तो बालक की माता उसके पिता से उसका विवाह कराने के लिए कहने लगी। साहूकार ने कहा, अभी मैं इसका विवाह नहीं करूंगा, मैं अपने पुत्र को काशी पढ़ने के लिए भेजूंगा। साहूकार ने पुत्र के मामा को बुलाकर कहा और बहुत सा धन देकर कहने लगा कि तुम इस बालक को काशी पढ़ने के लिए ले जाओ और रास्ते में जिन जिन स्थानों पर भी जाओ यज्ञ करते, ब्राह्मणों को भोजन कराते और दक्षिणा देते हुए जाना। दोनों मामा भांजे यज्ञ करते, ब्राह्मणों को भोजन कराते और दक्षिणा देते हुए काशी जी की ओर चल पड़े। मार्ग में एक शहर पड़ा, उस शहर में राजा की कन्या का विवाह था, परंतु जो राजकुमार विवाह करने के लिए आया था वह एक आंख से काना था। उसके पिता राजा को इस बात की बड़ी चिंता थी कि कहीं राजकुमार को देखकर राजकुमारी या उसके माता पिता विवाह में किसी प्रकार की अड़चन पैदा ना कर दें। जब उसने सेठ के अति सुंदर लड़के को देखा तो मन में विचार किया कि क्यों न द्वारचार के समय इस लड़के से वर का काम चलाया जाए। ऐसा मन में विचार कर उस राजकुमार के पिता ने उस लड़के और मामा से बात की, वे राजी हो गए। फिर उस साहूकार के लड़के को वर के कपड़े पहनाकर और घोड़ी पर बैठाकर कन्या के द्वार पर ले गए। सभी कार्य प्रसन्नतापूर्वक पूर्ण हो गए। राजकुमार के पिता ने सोचा कि यदि विवाह भी इसी लड़के से करा दिया जाए तो क्या बुराई है। ऐसा विचार कर लड़के और उसके मामा से कहा, यदि आप फेरों और कन्यादान के काम को भी पूरा करा दें तो आपकी बड़ी कृपा होगी, मैं इसके बदले आपको बहुत सारा धन दूंगा। दोनों ने इसे सहर्ष स्वीकार कर लिया। विवाह कार्य बहुत अच्छी तरह से संपन्न हो गया। सेठ का पुत्र जिस समय जाने लगा तो उसने राजकुमारी की चुनरी के पल्ले पर लिख दिया, तुम्हारा विवाह मेरे साथ हुआ है, परंतु तुम जिस राजकुमार के साथ विदा होगी वह एक आंख से काना है, मैं काशी जी पढ़ने जा रहा हूँ। सेठ के लड़के के जाने के पश्चात राजकुमारी ने जब चुनरी पर ऐसा लिखा हुआ पाया तो उसने काने राजकुमार के साथ जाने से इनकार कर दिया। उसने अपने माता पिता को सारी बात बता दी और कहा कि यह मेरा पति नहीं है, मेरा विवाह इसके साथ नहीं हुआ है, जिसके साथ मेरा विवाह हुआ है वह तो काशी पढ़ने गया है। राजकुमारी के माता पिता ने अपनी कन्या को विदा नहीं किया और बारात वापस चली गई। उधर सेठ का लड़का और उसका मामा काशी पहुंच गए। वहां जाकर उन्होंने यज्ञ करा
और लड़के ने पढ़ना शुरू कर दिया। जब लड़के की आयु 12 वर्ष की हो गई, उस दिन उन्होंने यज्ञ रचा रखा था। लड़के ने अपने मामा से कहा, मामा जी आज मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है। मामा ने कहा, अंदर जाकर सो जाओ। लड़का अंदर जाकर सो गया और थोड़ी देर में उसके प्राण निकल गए। उसके मामा ने जब आकर देखा कि उसका भांजा मृत पड़ा है तो उसको बहुत दुख हुआ। उसने सोचा, अगर मैं अभी रोना पीटना मचा दूंगा तो यज्ञ का कार्य अधूरा रह जाएगा। अतः उसने जल्दी से यज्ञ का कार्य समाप्त करवाकर ब्राह्मणों के जाने के बाद रोना पीटना शुरू किया। संयोगवश उसी समय शिव पार्वती उधर से जा रहे थे। जब उन्होंने जोर जोर से रोने की आवाज़ सुनी तो पार्वती जी कहने लगी, महाराज यह कोई दुखिया रो रहा है, उसके कष्ट दूर कीजिए। जब शिव पार्वती वहाँ पहुँचे तो उन्होंने पाया कि वहाँ एक लड़का मृत पड़ा है। माता पार्वती कहने लगी, महाराज यह तो वही सेठ का लड़का है जो आपके वरदान से ही उत्पन्न हुआ था। शिव जी ने कहा, पार्वती इसकी आयु इतनी ही थी सो यह भोग चुका। तब पार्वती जी ने कहा, हे महाराज इस बालक को कुछ और आयु दो, नहीं तो इसके माता पिता तड़प तड़प कर मर जाएंगे। माता पार्वती के बार बार आग्रह करने पर शिव जी ने उसको जीवन का वरदान दिया। शिव जी की कृपा से वह लड़का जीवित हो गया। शिव जी और पार्वती वापस कैलाश पर्वत को चले गए। शिक्षा पूर्ण होने पर वह लड़का और उसके मामा उसी प्रकार यज्ञ करते, ब्राह्मणों को भोजन कराते और दक्षिणा देते हुए अपने घर की ओर चल दिए और वापस आते हुए उसी शहर में पहुँचे जहाँ की राजकुमारी के साथ लड़के का विवाह हुआ था। वहाँ आकर उन्होंने यज्ञ आरंभ कर दिया। लड़के के ससुर ने उस सेठ के लड़के को पहचान लिया और महल में ले जाकर उसकी बहुत आवभगत की। फिर बहुत सी दास दासियों सहित आदरपूर्वक अपनी राजकुमारी और जवाई राजा को विदा किया। जब वे अपने नगर के निकट आए तो मामा ने कहा कि मैं पहले तुम्हारे घर जाकर तुम्हारे माता पिता को यह खबर दे देता हूँ कि तुम आ रहे हो। जब उस लड़के का मामा घर पहुँचा तो उसने देखा कि लड़के के माता पिता घर की छत पर बैठे थे। उन्होंने यह प्रण कर रखा था कि यदि हमारा पुत्र सकुशल लौट आया तो हम राजी खुशी नीचे आ जाएंगे, नहीं तो छत से ही गिरकर अपने प्राण त्याग देंगे। उस लड़के के मामा ने आकर जब यह समाचार दिया कि आपका पुत्र आ गया है तो उन्हें विश्वास ही नहीं हुआ। तब मामा ने शपथ पूर्वक कहा कि आपका पुत्र अपनी पत्नी और बहुत सारा धन लेकर आया है। तो सेठ प्रसन्नता से भर गया। सेठ सेठानी आनंद पूर्वक नीचे आए और बाहर आकर उन्होंने अपने पुत्र और उसकी पत्नी का भरपूर स्वागत किया और सभी प्रसन्नता के साथ रहने लगे। जो कोई सोमवार के व्रत को धारण करता है अथवा इस व्रत को पढ़ता और सुनता है और दूसरों को सुनाता है, उसके सभी दुख दूर होकर उसकी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं तथा इस लोक में नाना प्रकार के सुख भोग कर अंत में सदाशिव के लोक को प्राप्त होता है। ओम नमः शिवाय। इसी प्रकार की अन्य व्रत एवं पौराणिक कथा कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करें ताकि आप भी दूसरों तक इन्हें पहुँचा कर धर्म